दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां की हसीनाओं का डंका पूरी दुनिया में बजता है। ये वो देश है जहां की कुंवारियों ने 21 बार दुनिया भर की सुंदरियों को पछाड़ा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर धरती पर ये कौन सा स्वर्ग लोक है जहां अप्सराएं पैदा होती है। लेटिन अमेरिका की इस धरती पर हर लड़की की पहली पसंद है ब्यूटी क्वीन बनना, और इस देश का नाम है वेनेजुएला। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद इन सुंदरियों की तारीफ के पुल बांधना नहीं है। आज ये देश किसी और वजह से भी सुर्खियां बटोर रहा है। महंगाई की महामारी ने हमरा गट्टा बिठा दिया। भारत में लोग महंगाई बढ़ने की दुहाई देते नजर आते हैं और अक्सर कम कमाई की बात करते हैं, लेकिन वेनेजुएला एक ऐसा देश है जहां महंगाई दर जिस तेजी से बढ़ रही है उससे लोगों को एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही। लेकिन दुनिया के समृद्ध देशों में शुमार वेनेजुएला की आर्थिक स्थिति इन दिनों बद से बदतर होती जा रही है। आलम यह है कि यहां हर महीने 50 लाख रुपए कमाने वाला शख्स भी अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहा। मजबूरी में लोगों को यहां से पलायन करना पड़ रहा है। महिलाएं ब्राजील जैसे देशों में जाकर अपना शरीर बेचने को मजबूर हैं। वेनेजुएला में महंगाई आग की तरह बढ़ गई है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की माने तो इस साल के अंत तक यहां की महंगाई दर 10% तक पहुंचने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो ये आधुनिक इतिहास में सबसे ज्यादा होगी। वेनेजुएला के जो वर्तमान हालात हैं वो 1923 में जर्मनी के थे और 2000 में जिम्बाब्वे के थे। वेनेजुएला के कुल निर्यात में 96% हिस्सेदारी अकेले तेल की है। तेल की गिरती कीमतों की वजह से वहां की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। प्रतिबंध के चलते जब तमाम देशों ने उससे तेल लेना बंद कर दिया तो उसकी इकोनॉमी एकदम बैठ गई। 4 साल पहले तेल की कीमत पिछले 30 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई थी। 2014 में तेल की कीमतें गिरने के बाद से ही इस देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती जा रही थी। इससे निपटने के लिए देश की सरकार धड़ाधड़ नोट छापती जा रही थी ताकि बजट को पूरा किया जा सके, और अब देश में इतने नोट हो गए हैं कि इनकी कीमत खत्म हो गई है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो उस इबारा को अपना पुराना जूता मरम्मत करवाने के लिए अपनी 4 महीने की तनख्वाह 20 अरब बोलीवर यानी 4 लाख रुपए देने पड़े। कभी इस देश की GDP इजराइल, स्पेन और ग्रीस से भी ज्यादा थी। इस देश के लोगों के पास अरबों रुपया है, लेकिन उसकी कीमत न रहने की वजह से वो अपने बच्चों को एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खिला पा रहे। अगर डॉलर से वेनेजुएला की करेंसी की तुलना करें तो $1 36 लाख बोलीवर के बराबर पहुंच गया है। यहाँ लोग 1 लाख बोलीवर से कम की रकम नहीं ले रहे, वहीं कई ने तो सामान का लेन देन शुरू कर दिया है। नाई बाल काटने के लिए अंडे और केले ले रहे हैं। सिगरेट के महज 1 पैकेट से कैब में सवारी कर सकते हैं। रेस्टोरेंट खाना खिलाने के बदले पेपर नैपकिन ले रहा है। अनाज, दूध, दवाइयों और बिजली का घोर अभाव है। देश के बिगड़ते हालात के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है और अपराध भी। खाने की कमी, हेल्थ केयर की खराब हालत, बिजली, पानी, यातायात और सुरक्षा इंतजामों के बदतर होने से लोग सीमा पार करके कोलंबिया, ब्राजील और अन्य पड़ोसी देशों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या हो अगर आपके देश में भी वेनेजुएला की तरह हर 18 दिन बाद महंगाई दोगुनी हो जाए? क्या हो अगर बोरी भरकर नोट ले जाने पर भी आप कुछ खरीद ना सकें? हमें कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताना। जिस विषय के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट मिलेंगे अगली वीडियो उसी पर आएगी। जय हिंद।